नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लैपलेस इनवर्स के बारे में, और मैं उसके साथ आपको एक उसके ऊपर का लैपलेस इनवर्स के ऊपर का एक प्रॉब्लम लेकर उसको अच्छे से इस लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं उस लैपलेस इनवर्स के बारे में और उसके ऊपर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों पहली लैपलेस इनवर्स है लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 बाय एस। तो इसकी जो लैपलेस इनवर्स होंगी दोस्तों वो होंगी 1, ठीक है। अब देखो दूसरी लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, तो इसकी लैपलेस इनवर्स होंगी दोस्तों e टू द पावर at, ठीक है। थर्ड है लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर n, ठीक है। तो इसकी लैपलेस इनवर्स होंगी दोस्तों t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये n जो है वो क्या होगा, वेयर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, लाइक दैट दैट इज द नीड ऑफ इक्वेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट कंडीशन और लैपलेस इनवर्स, ठीक है। तो देखो फोर्थ है लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a टू द पावर n, ठीक है। तो इसकी लैपलेस इनवर्स होंगी दोस्तों e टू द पावर a t इंटू t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ है लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से लैपलेस इनवर्स के फंक्शन के बारे में भी बताया था, उस लेक्चर में भी बताया था लैपलेस इनवर्स फंक्शन। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उस लेक्चर में मैंने इस लैपलेस इनवर्स के बारे में नहीं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था कि ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो किसका होगा दोस्तों, साइन का होगा, ठीक है ना। अब देखो 1 अपॉन वो कौन सा फंक्शन था हमारा, साइन फंक्शन था, ठीक है दोस्तों। उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था हमारे उस लेक्चर में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय बी साइन बी टी, ठीक है। छठा है हमारा लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा कॉस बी टी, ये कॉस बी टी होगा, ठीक है। सातवां होगा दोस्तों हमारा लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए क्या होगा, 1 अपॉन ए कॉस, नहीं ये क्या होगा, साइन साइन एच ए टी, क्या होगा, साइन एच ए टी, ठीक है दोस्तों। अब देखो सातवां होगा, आठवां होगा हमारा लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए होगा दोस्तों कॉस एच ए टी, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, कॉस एच ए टी। अब देखो नाइन्थ होगा हमारा लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा देखो 1 बाय बी ई टू द पावर ए टी इंटू साइन बी टी, ठीक है। और दसवां देखो लैपलेस इनवर्स ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है हमारा, कॉस फंक्शन है, देखो इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी इंटू कॉस बी टी, ठीक है, ऐसा होगा। और एलेवेंथ है हमारा लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी ये तो फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ ए ले लेता हूँ,
और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू होंगी दोस्तों, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, देखो 1/2bt sin bt, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे वो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इस इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर के ही जो न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे जहाँ पे भी जो न्यूमेरिकल इसके बेस होंगे, वो न्यूमेरिकल में इस चीज इस क्या बोलते हैं लैपलास इनवर्स की बहुत हेल्प होंगी। इस लैपलास इनवर्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो लैपलास इनवर्स है इसको अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से क्या बोलते पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से याद रख के इसके ऊपर के अच्छे से प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से टैकल कर लेना, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों अब हम देखते हैं लैपलास इनवर्स के ऊपर का एक प्रॉब्लम, उसको लेते हैं और अच्छे से इसके जो फंडे है उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फाइंड द लैपलास इनवर्स ऑफ आई ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमको लैपलास इनवर्स जो है फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है आई ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी जो हमने लैपला क्या बोलते पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्कस की थी, ठीक है दोस्तों। जब हमारा फंक्शन जो है या फिर रूट जो है वो क्या बोलते रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, उस दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो ये वाला जो रूट है ये क्या है, नॉन रिपीटेड रूट है, बट ये वाला जो रूट है ये हमारा रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन में हम दोनों कंडीशन अप्लाई करके इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है दोस्तों। अब देखो आई ऑफ एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस टू प्लस सी अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने इसके आगे के लेक्चर में अच्छे से आपके साथ पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, आप देखो दोस्तों ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए इक्वल्स टू एस इंटू आई ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एस इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि एस इक्वल्स टू जीरो ही होगा यहाँ पे, सिर्फ एस है उसके साथ कोई भी दूसरा नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखो आई ऑफ एस क्या है हमारा, एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। ए इक्वल्स टू एस इंटू आई ऑफ एस क्या है हमारा, एस प्लस वन यहाँ पे एस एस प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एस की वैल्यू क्या आती है, एस की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप कर देंगे, उससे पहले ये वाला एस एस जो है वो कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो एस की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, ए इक्वल्स टू वन अपॉन फोर होगा, टू का होल स्क्वायर फोर, ठीक है। तो ए की वैल्यू आएंगी दोस्तों हमारी 1/4, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू होगी हमारी ए की। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले बी से पहले हम क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो सी इक्वल्स टू क्या होगा, सी इक्वल्स टू होगा एस प्लस टू होल स्क्वायर इंटू आई ऑफ एस, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपके साथ जब रिपीटेड रूट होता है उसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। कंडीशन टू थी हमारी वो पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एस इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। देखो सी इक्वल्स टू एस प्लस टू होल स्क्वायर इंटू आई ऑफ एस क्या है हमारा, एस प्लस वन, ठीक है, अपॉन एस इंटू एस प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारे पास, c इक्वल्स टू एस प्लस वन अपॉन सिर्फ s रह गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, जब मैं s की वैल्यू क्या है हमारी इस फंक्शन के लिए, s इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है, s इक्वल्स टू माइनस टू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। देखो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों बताओ यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर c इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन माइनस टू, ठीक है, माइनस माइनस साइन विल गेट कैंसिल, देन द वैल्यू ऑफ c क्या होंगी, 1/2, ठीक है।
तो c फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, c की जो वैल्यू है वो क्या होंगी, 1/2। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, b के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू d बाई डी एस एस प्लस टू होल स्क्वायर इंटू आई ऑफ एस एस इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, अब देखो आई ऑफ एस क्या है हमारा, गिवन फंक्शन। ठीक है, बी इक्वल्स टू डी बाई डी एस एस प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन होगा हमारा बी के लिए। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों अब हम इस एस प्लस टू होल स्क्वायर एस प्लस टू होल स्क्वायर इसको इस टर्म को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी इक्वल्स टू डी बाई डी एस, यहाँ पे क्या रिमेन होगा फिर, एस प्लस वन अपॉन एस। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एस इक्वल्स टू माइनस टू एस इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको क्या करना है, इस फंक्शन में एस की वैल्यू जो है माइनस टू उसको पुट करके बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी इक्वल्स टू क्या होगा, एस फर्स्ट कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी बाई डी एस, मतलब कि यहाँ पे वन होगा। ठीक है, वन माइनस सेकेंड कॉन्स्टेंट एस प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट क्या होंगी, वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे इस फंक्शन में इस टर्म में एस की जो वैल्यू है माइनस टू पुट अप कर लेंगे और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एस की वैल्यू क्या है, माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अपॉन माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, माइनस टू प्लस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, बी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, तो दोस्तों ये वैल्यू हो गई हमारी बी की। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है दोस्तों, ए की भी है, ठीक है, बी की भी है और सी की भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों वैल्यू को हमारे इस ए इक्वेशन में, इसको मैं ए इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, हमारे इस ए इक्वेशन में क्या करना है, पुटअप करना है और हमारे इस फंक्शन का जो लैपलास इनवर्स है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, देखो सब्स्टिट्यूटिंग values of a b and c in equation a। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू जो a b और c की इस इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे। ठीक है, और उसका जो लैपलेस इनवर्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, i of s इक्वल्स टू वन बाय फोर इंटू वन बाय s। ठीक है, आएगा इसे यहाँ पे माइनस वन बाय फोर वन अपॉन एस प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, वन बाय टू वन अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर, ऐसे आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इस फंक्शन का जो है लैपलेस इनवर्स वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय टेकिंग लैपलेस इनवर्स। ठीक है, हमको लैपलेस इनवर्स लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था पार्शियल फ्रैक्शन के, कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मेथड है और हम क्या करेंगे, उस मेथड के थ्रू हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके वो कौन से फॉर्म में आएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने उसका फॉर्म लिखा है, ये किसके फॉर्म में है दोस्तों, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर से हमको क्या करना है, हमारा इनवर्स जो इसका इनवर्स है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका इनवर्स क्या आएगा, लैपलेस इनवर्स क्या आएगा दोस्तों, देखो दोस्तों आई ऑफ टी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर वन बाय एस का जो लैपलेस इनवर्स था मैंने आपको बताया था इसके आगे के, इसको इसके आगे वन बाय एस यानी कि वन ही होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस वन बाय फोर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई टू द पावर माइनस टू टी। ठीक है, ई टू द पावर माइनस टू टी आएगा प्लस वन बाय टू एज इट इज। फिर इसका जो लैपलेस इनवर्स है वो क्या होगा दोस्तों, टी इंटू यहाँ पे स्क्वायर है उसका टी। ठीक है, टी इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी, इस फंक्शन का जो लैपलेस इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस टू टी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इस फंक्शन का लैपलेस इनवर्स जो हमने
हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिस क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि उस क्वेश्चन में आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।